बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में अभी तापमान में और बढ़ोतरी होगी। कल गया और डेहरी ऑनसोन में तापमान 45 डिग्री था। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया में तापमान और बढ़ेगा। बिहार के साउथ वेस्टर्न पार्ट में गर्म हवाएं और लू का प्रकोप और बढ़ेगा। 28 मई को उम्मीद है बिहार में मौसम बदलेगा। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी अपील किया कि लोग घरों में रहें, जो मजदूर हैं उन्हें दोपहर में काम ना किया जाए। आज और कल बिहार में गर्म हवाओं का प्रभाव ज्यादा रहेगा। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। आज ही प्ले स्टोर से मी डिजिटल ऐप डाउनलोड करें। सर, बिहार में लगातार दो दिनों के दौरान देखा गया है कि मौसम में काफी ज्यादा गर्मी आई है, पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्या सिचुएशन है? जैसा कि आपने देखा होगा, जो जब एम्फन साइक्लोन था, जब वो पास ओवर हो गया, उसके पास से पूरे लल पीरियड हो जाती है, इस एटमॉस्फेयर एनर्जी लेस हो जाती है और टेम्परेचर राइज होने लगती है। तो अभी पिछले कई दिनों से देखा होगा टेम्परेचर ग्रेजुअल राइज हो रही है, और अभी जो रिपोर्ट हुई है कल तक अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड गया और डेहरी ऑनसोन से रिपोर्ट हो चुकी है, और पटना में थोड़ा स्लाइटली लोअर साइड में रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो आगे पूर्वानुमान है वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आज टेम्परेचर स्लाइटली राइज होगी आपका वेस्ट रीजन में, जो साउथ वेस्ट वाली डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, स्लाइटली राइज है, और ये कल ऑलमोस्ट इससे एक डिग्री ज़्यादा हो सकती है। तो कह सकते हैं कि डे वन डे टू यानी कि 26 और 27 को थोड़ा टेम्परेचर राइज रहेगी और हीट वेव की सिचुएशन प्रिवेल करेगी मेनली साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में। और जैसा कि पूर्वानुमान व्यक्त किया जा रहा है, जैसे हीटिंग होती है तो थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, इसके कारण से डे आफ्टर टुमारो यानी कि 28 को थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, इसके कारण से थोड़ा टेम्परेचर फॉल होगी। अब देख सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बिहार का ट्रेंड है वो थोड़ा सा स्केल में कम हुई है, टेम्परेचर फॉल हुई है, और नॉर्थ बिहार का एक दो डिस्ट्रिक्स में अभी भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती रहती है, यूजुअली लेट इवनिंग में, बट संभावना है कि 28 को थोड़ा सा लार्ज स्केल पे हो। क्या सर, क्या गर्मी के आंकड़े ने क्या कोई रिकॉर्ड भी तोड़ा है, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है और ये लगभग 48 तक जाने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या ये रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है या फिर ये अच्छा क्या इसे अम्फन का भी असर माना जाए? नहीं, जैसे कि जो टेम्परेचर है, यूजुअली मई सबसे वार्मेस्ट मंथ होता है, और यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर देखिएगा तो इस समय अराउंड बिहार का साउथ वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट में आपको 40 से अबव आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो ये यूजुअल फेनोमेना है कि थोड़ा सा स्लाइटली हाइयर है। आप कह सकते हैं कि जो अभी तक का जो गर्मी का स्थिति रहा है वो गर्मी दिखाई नहीं है, हमेशा टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे रही है। तो एक इसका कारण था कि वो पूरा राउंड द स्केल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो जा रही थी, दो दिन हीटिंग होती थी और फिर आपका पूरे बारिश हो जा रही थी। लेकिन अभी जो एम्फन के कारण, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एम्फन साइक्लोन के पास होने के कारण एटमॉस्फेयर में लल पीरियड आ जाता है, एनर्जी लेस हो जाती है। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। आज ही प्ले स्टोर से मी डिजिटल ऐप डाउनलोड करें। तो कह सकते हैं कि जो अचानक से राइज हो रही है टेम्परेचर, इवन नॉट ओनली बिहार, इवन नॉर्थ इंडिया, तो अम्फन के क्रॉस होने के बाद का जो लल पीरियड हुई उसके कारण से भी टेम्परेचर राइज हुई है, बट स्टिल ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड्स
और जो टेम्परेचर है वो मई में यूजुअल होती है। अंतिम सवाल सर कि बिहार के किन जिलों के लिए क्या अलर्ट जारी किए गए हैं जो भी जहाँ ज़्यादा गर्मी? हाँ, जैसे कि जो साउथ वेस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गया है, औरंगाबाद है, इनके लिए कल हीट वेव की वार्निंग हम लोगों ने इशू कर रखा था, लेकिन आज जो सिचुएशन आज और कल के लिए प्रोबेबली जो हमारा मिड बुलेटिन आएगी उसमें इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके ऑरेंज कलर्स जो होती है लोग अपडेटेड रहें तो ऑरेंज से रेड हो सकती है एक दो जिले के लिए। अच्छा, तो क्या इससे लोगों को आप क्या कहते हैं कि क्या घर में रहना चाहिए या? जैसे सबसे पहले तो जो कोविड की सिचुएशन बनी हुई है लोग घरों में रहने का कोशिश करें और मेनली जो वर्कर्स होते हैं जैसे नरेगा वर्कर्स हैं उनका टाइम पीरियड को थोड़ा अभी एकदम से मॉर्निंग और इवनिंग कर देना चाहिए क्योंकि डे के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है, इवन ट्रैफिक पुलिस है वो ज़्यादा वल्नरेबल है और इवन पोल्ट्री सेक्टर है वो भी ज़्यादा वल्नरेबल, तो लोगों को बचाव करने की ज़रूरत है। जैसा कि बता रहे हैं जो सिचुएशन आज और कल थोड़ी जो हीट वेव की कंडीशन बने रहेगी तो लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए कोई एडवाइजरी भी जारी की है क्या? हाँ, एक्चुअली मौसम विभाग समय समय पर एडवाइजरी देते रहती है, कल भी हम लोगों ने एक बुलेटिन दिया था कि लोग इस रीजन में जो हीट वेव की सिचुएशन है आज वो फिर से अपडेट हो जाएगी जो आगे वाली सिचुएशन है उसके लिए। थैंक यू सर। आज क्या टेम्परेचर रहेगा? यदि बात करें गया की तो जो कल सबसे वार्मेस्ट रहा है सबसे हॉटेस्ट रहा है तो वहाँ अराउंड 45 के आसपास टेम्परेचर रहेगी। पटना में जैसे कल 40 डिग्री सेंटीग्रेड से रिपोर्ट हुई थी तो स्लाइटली 1 डिग्री हाई हो सकती है, 41 के आसपास टेम्परेचर पटना में रह सकती है। सर एक और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।